नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मिलने वाले लाभ के लालच में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब पहले से शादीशुदा जोड़े इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के सागर में भी देखने को मिला है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के एक नेता का नाम सामने आया। आपको बता दें कि NSUI का राष्ट्रीय समन्वयक और पहले से ही धूमधाम से शादी कर चुके नैतिक चौधरी दोबारा शादी करते हुए कन्या विवाह योजना के तहत पकड़े गए हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सागर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मिलने वाले लाभ के लालच में NSUI के राष्ट्रीय समन्वयक और पहले से ही शादी कर चुके नैतिक चौधरी दोबारा शादी करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने फिलहाल नैतिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं इस मामले को लेकर BJP भी कांग्रेस पर तंज कस रही है। ये घटना बालाजी मंदिर परिसर में घटी है, जहां पर 135 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा था। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक NSUI के राष्ट्रीय समन्वयक नैतिक चौधरी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ लेना चाहते थे। इसके लिए उसने योजना बनाई और पत्नी को लेकर दोबारा शादी करने के लिए विवाह समारोह में पहुंच गया। वहां जब वो पंडाल में बैठा था तो उस वक्त किसी ने उसे देख लिया और आयोजकों को इस बारे में सूचना दी। फिर आयोजकों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल नैतिक को हिरासत में ले लिया है। खबर सागर से भेजी है हमारे सहयोगी हिमांशु शिवा पुरोहित ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।